गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में इन दिनों शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस का छापेमारी अभियान काफी जोरों से है, जिस पर गुमला जिला से एक्साइज डिपार्टमेंट की पुलिस टीम बनाकर पहुंची और स्थानीय पुलिस सहित चैनपुर थाना SI रंजन झा के नेतृत्व में पुलिस बल को भी साथ लेकर एक्साइज इंस्पेक्टर सोनू कुमार ने चैनपुर के अलग अलग स्थानों पर अंग्रेजी शराब के खिलाफ जांच अभियान शुरू किया, जिसमें अजय होटल से एक पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। प्रशासन और एक्साइज विभाग का संयुक्त छापेमारी कर रही है ना। अभी हम लोग 3-4 जगह पर होटल पर जो अवैध शराब बिकता है वहाँ छापेमारी किए। सबसे पहले अजय ढाबा जो है वहाँ सूचना पर छापेमारी किए, तो 4 बोतल बियर का और कुछ बोतल शराब का मिला है। वहाँ संचालक रूम में जेल गए हुए हैं, उनका स्टाफ से पूछताछ किया गया तो बताया गया कि सर यहाँ पर किसी ने जो है रखा हुआ था, उसको जब्त करके हम लोग आगे कार्रवाई के लिए निकले हैं। उसके बाद सूचना मिला बरवे स्कूल के पास में एक घर था, वहाँ पर हम लोग छानबीन किए बट वहाँ पर तो शराब बरामद नहीं हो पाया है ना। और लगातार छापेमारी अभियान चलता रहेगा। अपील भी है कि अगर इस तरह की सूचना मिलता है तो हम लोग को दे, हम लोग छापेमारी करेंगे। तो यहाँ देखा जाए एक तरह से कि शराब माफियाओं का तंत्र मजबूत लगता है। नहीं, तंत्र मजबूत को ही हम लोग ध्वस्त करने के लिए आए हुए हैं, उसको सफलता मिला हुआ है। कुछ दिन पहले चैनपुर पुलिस भी एक शराब कारोबारी को जेल भेजी हुई है और अभी लगातार हम लोग इस पर छापेमारी करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।